यदि जीना चाहता है तो कौन है, किसने मुझे धक्का दिया? ओ तो ये तू है। इसकी अपेक्षा में मेरे सामने तू खड़ा हुआ है। हाँ, यदि साहस है तो युद्ध कर। आ, कर युद्ध। सैनिकों, इस समय हमें याद करने का प्रयोजन और साथ में ये अद्भुत प्राणी कौन है? महाराज, ये हमारे राज्य की सीमा के अंदर घुस गया था। ये वही आतंकी है जिसने हमारे राज्य में उत्पात मचाया। जी सत्य बता, तू कौन है और कहां से आया है? रहने वाला तो मैं पृथ्वी लोक का हूँ, किंतु अभी मैं छल लोग से आ रहा हूँ। मुझे जाना तो कहीं और था, पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। पृथ्वी के जीव जल में श्वसन नहीं कर सकते, तो अवश्य ही कोई मायावी है। नहीं महाराज, ना तो मैं कोई मायावी हूँ और ना ही आतंकी अथवा उत्पादी। बस अब और स्पष्टीकरण नहीं। सैनिकों, ले जाओ इसे और बंद कर दो अंधकारवास में। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। मैं तो भूलवश ही सो आ गया। चलो चुपचाप। प्रभु, हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए देवश्री, यदि बिना कारण वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते तो वे उन्हें शत्रु समझ जाते और वे इस घटना की तह तक नहीं पहुंच पाते। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग न करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मुझ पर जो आरोप लगा है, उस आरोप से मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि मैं उस चोर का, जो मैं समझा गया हूँ, उसका पता लगाऊं और उनके समक्ष उसे प्रस्तुत करूं। पर यह तभी संभव है जब मैं इस अंधकारवास से बाहर निकलूं। कैसे निकल सकता हूँ मैं यहाँ से बाहर? कौन है यहाँ? और यहाँ
आप तो यहाँ के राजा हैं, फिर आप इस अंधकार वास में क्यों बैठे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? क्या दुख है आपको? मैं राज्य का असली राजा हूँ और जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है वो नकली राजा है। तो फिर उसने आपको बंदी कैसे बना लिया? आप तो राजा हैं। आपने अपना शक्ति प्रदर्शन करके उसे मारा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ। उस चोर ने मेरा त्रिशूल चुरा कर मुझे शक्तिहीन बना दिया है और तभी ये नकली राजा आकर मुझे असली राजा को नकली घोषित करके इस बंदी गृह में डाल गया है और तब से मैं यहाँ बैठा बैठा केवल अश्रु ही बहा रहा हूँ। आप चिंता ना करें महाराज, सत्य को मैं सामने लाऊंगा। सत्य का कभी नाश नहीं होता, नष्ट होता है नकली असत्य, इसलिए उसका अंत होना भी निश्चित है। कृपया आप मेरी सहायता करें। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बताएं। मार्ग तो बता दो, किंतु उस मार्ग से केवल हथेली भर का ही जीव बाहर जा सकता है। बताएं, वह मार्ग किस ओर है? वो उस ओर। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं लघु रूप में क्यों नहीं आ पा रहा? मेरी शक्तियां निष्फल कैसे हो सकती हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर आज कैसे हो रहा है? हनुमान के साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु? ऐसा होने का कारण यह है कि मंदाकिनी के पूर्ण रूप से कालांत में समा जाने के कारण इस आकाश गंगा का समय चक्र रुक गया है, जिसके फलस्वरूप मंदाकिनी निवासी हनुमान की समस्त शक्तियां निष्प्रभावी हो गई और जिन देवताओं के आशीष से ये शक्तियां संचालित होती हैं वे भी निष्प्रभावी हो गए हैं और इसीलिए हनुमान केवल इस धारा में एक बालक रूप ही रह गए हैं। तब तो घोर संकट उपस्थित हो गया प्रभु। एक बालक के लिए कठिन है इस संकट का सामना करना। देवविष्णु, हनुमान के बालक रूप पर मत जाइए, वे साक्षात रुद्र के अवतार हैं, शिव के रूप हैं वे। हाँ, आप केवल उनसे इतना कह दीजिए कि अब उनकी शक्तियां उनके काम नहीं आएंगी। यहां से निकलने में उनको अपनी शक्तियों का नहीं अपितु अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हनुमान,
इस संकट से बाहर निकलने के लिए आपको शक्ति का नहीं बुद्धि का उपयोग करना होगा। यहां शक्तियां प्रभावी नहीं होंगी। देखेंगे, जो होगा होगा। विधि के लेख को मैं थोड़ी ना बदल सकता हूं। दर्शिका का पता बताओ, कहां है वो? नहीं बताऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन उसके विषय में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। तुझे बताना ही होगा, अन्यथा तुझे इसी त्रिशूल से लहूलुहान कर दूंगा। बता, तू कुछ भी कर ले, तुझे दिग्दर्शिका का पता नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। दुष्ट, मेरे आदेश की अवहेलना करता है, बता। यदि जीना चाहता है तो कौन है, किसने मुझे धक्का दिया? ओ, तो ये तू है। इसकी अपेक्षा में मेरे सामने तू खड़ा हुआ है। हाँ, यदि साहस है तो युद्ध कर। आ, कर युद्ध।
ये तो वही स्थान है जहाँ से मैं गया था। मुझे पुनः वापस जाना होगा। कौन मेरा त्रिशूल लेके भाग रहा है? पकड़ो पकड़ो सैनिकों, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ सैनिक, पकड़ो उस चोर को। बस जहां हो वहीं रुक जाओ, अब तुम यहां से भागकर नहीं जा सकते। अब बचकर कहां जाओगे? पकड़ो उसको, पकड़ो। तो क्या अब कोई आशा नहीं प्रभु? देव ऋषि, जब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाएगा तब तक मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि उस क्षेत्र में जाने पर सारी शक्तियों ने कार्य करना बंद कर दिया हो? संभव है देवर्षि। सैनिक ले चलो इसे, चलो। पिछली बार तो तुझे जीवित छोड़ दिया था, पर इस बार तो नहीं बचेगा, तेरा अंत निश्चित है। तेरा अंत आ गया चोर।